हेलो फ्रेंड, मैं कौशिक चटर्जी और आप देख रहे हैं हाउ टू 100 चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, और वीडियो अगर पसंद है तो जरूर लाइक करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ और बहुत नए सुंदर अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाकर आता हूँ और आपको भी इस वीडियो से फायदा। तो चलिए आज का आइडिया देख लेते हैं। आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही न्यू है, जो आपको पहले ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, तो आज मैं उस बिजनेस का नया ढंग से आप उस बिजनेस कर सकते। इसीलिए भारत सरकार ने जो भी आत्मनिर्भर जो भारत है वो स्कीम निकाला है और बहुत सारा पैसा भी उस पर इन्वेस्ट किया है, जीडीपी का 10%। और इसीलिए यही टाइम है कुछ मेड इन इंडिया का काम करना है। तो ये बिजनेस जो आइडिया है, आपको मिट्टी का जार बनाना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा और इसके बाद बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा और इससे बहुत सारा प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि इस बिजनेस से बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए मेन फंडा है। प्रॉफिट होंगे तभी वो बिजनेस ज़्यादा चलेगा। तो इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, तो इसीलिए आगे ज़रूर देखें, क्योंकि इस बिजनेस आप अधूरा सुनकर जाओगे तो आप नहीं कर सकते फुलफिल बिजनेस। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, और मिट्टी जो फ्री में मिल जाते हैं तो आप अगर बना सकते हो सीख करके या खुद बना सकते हो तो बनाइए, और नहीं बना सकते हो तो मार्केट में जो लोकल मार्केट होता है वहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसीलिए लोकल मार्केट पर आपको जाना है और उससे खरीदना है। तो इस बिजनेस करने में आपको मिट्टी का ज़रूरत पड़ेगा और उससे जार बनेगा। तो मान लेते हैं एक जार आपको आ गया, और दूसरा ये है कि एक टैप जो आप जार में लगा रहते हैं, टैप उसका नल जो कहते हैं वो खुलकर आपको पानी आता है, तो वो लगाना है आपको मिट्टी के जार पर। और ये मिट्टी का जार का बिजनेस बहुत आगे जाकर चलने वाला है, क्योंकि अभी जो भी कोरोना वायरस के चक्कर पर बहुत सारे लोगों ने हेल्थ कॉन्शियस हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लास्टिक का जार पर जो वाटर होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, तो इसीलिए बहुत लोगों ने ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा और यूज़ भी करेगा, क्योंकि मिट्टी वाटर को रिफ्रेश कर देते हैं, और मिट्टी में मिट्टी के अंदर जब कुछ भी वाटर आते हैं तो उसका अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं वाटर का अंदर वो रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, और जो भी खराब सी चीज़ है वो नहीं रहते हैं उस मिट्टी के जार पर। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर यूज़ होने वाला है, बहुत चलने वाला है इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, क्योंकि इस जार से क्या क्या फ़ायदा हो गया और वो फायदा कैसे उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, उस पर्सन को मिलेगा, तो ये आपको समझना, उसको समझाना है कि ये आप उससे मिलेगा फ़ायदा। और ये ऑर्गेनिकली जो जार है, प्लास्टिक नहीं है और किसी का मटेरियल्स का नहीं है, तो आपको वाटर बहुत नेचुरली आप इससे पी सकते हैं, तो ज़रूर रखिए। तो इससे बहुत बिजनेस चलने वाला है। आप अगर बिजनेस पर नया हैं, इस बिजनेस को कर रही है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये तो समझ लिया, पर बिजनेस को कैसे किया जाए, तो
इससे जो भी बिजनेस का मॉडल है वो पहले समझ लेता है कि जो मिट्टी का जार है वो 20-30 पर मिल जाता है। जब बहुत ज़्यादा आप लेते हो तो एक दो खरीदने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, तो उसी लिए आपको बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। और जो टैप है वो आप किस दम पर वो बेचोगे उस पर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए आप कम भी यूज़ कीजिए और ज़्यादा प्राइस पर भी टैप यूज़ कीजिए, क्योंकि टैप पर डिपेंड करेगा इसका प्राइस। तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी टैप भी होते हैं और 10-20 रुपये पर भी प्लास्टिक का टैप भी आ जाते हैं, तो आपका पर डिपेंड करते हैं आप कौन सा टैप लगाते हैं। तो पहले जब शुरू में करोगे तो सस्ते वाला ही यूज़ करना, क्योंकि पहले प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका। तो और क्या क्या इस पर है, ये तो दो चीज़ आपको अटैच करना है और आपको सेल करना है, दो चीज़ मिला करके 50 रुपीज़ पर बन गया आपका टैप जार। तो वो जार आपको लोकल मार्केट भी सेल कर सक घर घर जाकर सेल कर सकते हो, लोकल मार्केट पर भी सेल कर सकते हो, आप होलसेल का बिजनेस भी कर सकते हो इस पर, और आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आप जब सेल करोगे तो प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि पैकेजिंग बहुत करना पड़ेगा आपको, मिट्टी का है टूट जाएगा, तो इसलिए पैकेजिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये टैप आपको ऑनलाइन पर 300, 400, 500 तक नॉर्मल सा जार मिट्टी का बिक सकता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और आप आते हैं बिजनेस का मेन टॉपिक, जिस पर आप प्लेन सा मिट्टी का जार बना लिया और टैप प्लास्टिक का 10-12 रुपये का टैप लगा लिया, तो कुछ जो भी पर्सन रिच है थोड़ा एस्टेटिक है तो वो उसका घर में वो नहीं रखेगा, क्योंकि उसका जो लेवल है स्टेटस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए नहीं रख वो पसंद नहीं करेगा कि रखने में। तो इसीलिए आपको मॉडिफाई करना है बिजनेस को। कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपको आर्टिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, उससे पेंटिंग बनाएगा उस मिट्टी पर, और जो पेंट टिका रहे बहुत दिनों से उसी का कलर आपको यूज़ करना है। तो जो जब पेंटिंग आ गया मिट्टी पर तो ये अलग लेवल का हो गया, और जार का जो टैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट अमेजिंग जो देख करके पसंद आ जाए ऐसे लगाना है आपको। जब ये बना दिया तो 1-2 हज़ार में भी ये बिकेगा आसानी से, क्योंकि आप थोड़ा सा बिजनेस पर मॉडिफाई किया। बहुत सारे लोगों ने क्या करेगा, वो प्लेन सा जार बना लेगा और सेल करेगा और छोटी मोटी लाभ होते रहेगा, तो ये आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है स्मार्ट तरीके से, तो आपको एक आर्टिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा और उससे पेंट करवाना है, अच्छे अच्छे पेंटिंग जो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये भी सर्विस दे सकते हो, आपका हाउस का जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप उसके घर पर जा करके वो पेंटिंग वाला आप जार उसको प्रोवाइड करोगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप सोच नहीं सकते बहुत ज़्यादा प्राइस पर वो लोग खरीदेंगे, और क्योंकि वो लोग तो बहुत सारे हेल्थ कॉन्शस है तो ज़रूर ये खरीदेंगे। तो इस मार्केट पर आप जब नया है, नया तरीके इनोवेटिव तरीके से आप इस बिजनेस को कर रही है, तो आप 1-2 साल में बहुत आगे जाओगे, और जब वो लोग आएगा जो बिजनेस करने में पहले पहले, तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा।
तो इसीलिए यही टाइम है, आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस, बहुत आगे जाएगा। आप अगर मेरे सोच से कनेक्ट कर पा रही हो तो बहुत आप कुछ फायदा कर सकते हो। तो इस बिजनेस को आप अपने तरीके कुछ लगा कर भी यूज़ कर सकते हो। इनोवेशन ज़रूर लेकर आना, क्योंकि बिजनेस में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो इसीलिए आज इसी तक है, और आप जब लाइक करते हो तो मैं दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को पसंद आए तो, और आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो आइडिया, क्योंकि हो सके आपको ये आइडिया पसंद ना आए, उसको आ जाए, तो ज़रूर शेयर करना।